आजी परमादरणीय मेला पंच कमेटी एवं प्रांगण में बैठे हुए समस्त आगंतुक महानुभाव, सर्वप्रथम आप सभी को बीरी फौजदार उसरानी का सशत कोट नमा। वैसे ऐसा कोई खास गाने वाला नहीं जो आपके इस कमल रूपी हृदय को छू सकूं, लेकिन आप जैसे बुजुर्गों के आशीर्वाद और गुरु लोगों की कृपा से जो कुछ भी मिला है आपके सामने पेश कर रहा। आप जैसे विद्वान बताते हैं कि यह मनुष्य जीवन हमें 84 लाख योनि भोगने के बाद में मिला है। ये जीव जब माँ के गर्भ में होता है प्रभु से विनती करता है कि हे प्रभु आप मुझे इस नरक माँ से बाहर निकालिए, मैं आपका मनन करूंगा, चिंतन करूंगा, भजन करूंगा। लेकिन जैसे इस माया रूपी संसार में आता है इस संसार को मेरा 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 कहने लगता है। लेकिन कभी लोग चार लाइनों में सुझाते हैं ऐसो कहा गमायो जाए संगल के कि कितनी जमीन इन हाथ और 3 गज जमीन जम सभी जग समायो तो कहत कवि लखन कर प्रभु को भजन जाने भव से बेड़ा पार बाबा बहुतन को। कमेटी का आदेश जिकड़ी शुद्ध होगी सुनिए साथी और साथी के बोल क्या बेटा। आरिले अरे पिया की ढोलका मेरे दूरी
धर्म से कोई शेष प्रसंग नहीं जो इन श्रवणों द्वारा आपने 10-20 बार नहीं सुना हो, लेकिन अपने ध्यान को लगाएंगे कहां कि एक समय अवधपुरी में महाराज त्रिशंकुर राज किया करते थे। वो अपनी रानी चंद्रकला को लेवाने के लिए कहां कि उज्जैन नगर के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में देखा क्या बेटा कि खेत में गाय चल रही है और उस गाय का रखवाला, खेत का रखवाला सोया हुआ है। महाराज ने रखवाले को जगाया और कहने लगे, भैया तू कैसा रखवाला है जो तेरे खेत में गाय चल रही है और तू सोया हुआ है। रखवाले ने जब इस दृश्य को देखा, कभी लोग अर्थ में लिख रहे के लेके लट्ठे चलो रखवारो, यानी गैया लई लखाइया और हड्डी पसली तोड़ दई गैया में मार, जो नस नस ढीली भई गैया की, या के नैनन वर्षे पानी। और अब आगे सुनो, गाय जमीन पर गिर पड़ी और महाराज त्रिशंकु को क्या जवाब दे रही बेटा, और कोई लख मेरो बेहाल या बहु तेरी महाराज ने सातों बेटियों को अपने पास में बुलाया और पूछने लगे, बेटा मुझे ये बताइए आप किसके भाग्य का खाती हैं। छह बेटियों ने जवाब दिया, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन सातवीं बेटी पद्मा ने आज अपने पिता को क्या जवाब दिया मास्टर? अरे बाबूले काहे पुरारी बढ़ावे सब कोई अपने भाग्य को खावे। बात भूप के तन में गुस्सा छाई है और नाऊ ब्राह्मण बोलाए भूप ने दियो हुकम सुनाई है और भोरे हो तही दरवाजे पे जाए जीने जिनावर पाई है और बाके संग में तुम पदमा को दीजो ब्याह। महाराज ने आदेश दे दिया कि सुबह दरवाजे पर जो कोई भी मिले उसी के साथ में मेरी बेटी की शादी कर दी जाए। सुबह दरवाजे को खोला गया, दरवाजे पर एक लंगड़ा मोर मिलता है। पद्मा की साथी लंगड़े मोर के साथ में कर दी जाती है। पद्मा उस मोर को लेकर के बियाबान जंगल में आ गई। रात्रि का वक्त मोर को एक पीपल के वृक्ष पर सुला दिया
रात्रि में तूफान आया यार, कहानी क्या बोल दे रही है क्या? ये लंगड़ो बोरी गिरो पी परते दिए प्राण गमाइए, और लपी तमकी लाश गोदम बदमा रही डकराइए, और पाई बनी में शिव गौर आ गए घूमत घूमत आइए, और पद्मा की जब के सुनी फिर दयायु आज माँ पार्वती का भोलेनाथ इस बियाबान जंगल में ये कौन तो ख्यारी रो रही है। जब इस बात को भोलेनाथ ने सुना कहने लगे पार्वती ये मृत्यु लोग है या कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई गाता है, कोई नाचता है, लेकिन माँ पार्वती जिद पर अड़ जाती है। आज भोलेनाथ ने क्या कह देगा, ये जिन्नो कर दियो मोर संगो ने नर की दई जिन गानी है, और मोर ध्वज जको नाम धरो जकी मोर गड़ी रज धानी है, और पूनम को तो चांद महल में पद्मा जैसी रानी है, वो पीछल देश क्या बीती तुम याद सुनो कहानी है भाई। इधर उस मोर का भगवान भोलेनाथ ने कायाकल्प कर दिया, लेकिन महाराज पीछल दे को एक दूसरे राजा ने जीत दिया। महाराज पीछल दे सड़क पर आ गए, परिवार का पेट पालने के लिए सूप बनाकर बेचने लगे। सूप बेचते बेचते उसी मोरागढ़ राजधानी में आ गए, और महलों के नीचे आवाज लगाई कोई सूप ले लो, कोई सूप ले। जब इस बात को पद्मा ने सुना अपने पिता की आवाज को पहचान लेती, और क्या किया मास्टर, परोस भूपने तू का हाथ संभारो, अरे हाथ पकड़ लियो पद्मा ने फिर ऐसे वचन उतारो, और बता कौन के भाग को खब के लखली